हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर के नीचे अत्तू बेचने के लिए आया है। ले जाइए 120 रुपए किलो, आ गया आपके गली और आपके मोहल्ले में लेके आ गया चने का भाई। दोस्तों यही भाई, 120 रुपए किलो। आपका नाम क्या है? चना का सत्तू। चलिए सामने मशीन के द्वारा पिसवा करके और तंदुरुस्त रहिए। आप अपने हाथों से देख लीजिए और जितना आपको लेना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, आप अपने हाथों के सामने मशीन लगा हुआ है, आप पिसवा के और ले जाइए। चने का ताजा ताजा सत्तू मशीन के द्वारा आप अपने आंखों से लेदा भर कट्टा। ये भाई साहब का घर है। दोस्तों ये पूरा फ्रेश चना है, देखिए छिलका उड़ा हुआ, छिलका उड़ा हुआ। ये केजी सत्तू ले रहे हैं। ये केजी हो चुका है। भैया ये चना आपका बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। ये चना को आप फ्रेश कैसे बनाते हैं? ये चना जो है सो भुंजवा के है, गोटा समेत चना, सो पूरा जो है सो खराब लगता है खाने में। दाल बना के यही केसु पीसता तो कस्टमर को भी अच्छा लगता, क्योंकि कस्टमर जो लेते हैं सो पूरा भरोसा करके लेते हैं कि हम एक नंबर सत्तू खा रहे हैं, लेकिन ये सत्तू जो है सो छिलका उड़ा के बेचते हैं तो अच्छा रहता है। आपका चना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, एक भी छिलका दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग चना भूंज के दरर के इसको छिलका उड़वाते हैं मिल में, उसके बाद फिर पीसते हैं तो क्लीन आता है सत्तू, बिल्कुल फ्रेश बनता है। ये काम आप कितना साल से कर रहे हैं? ये हम 2 साल से कर रहे हैं। ये सत्तू पूरा इस तरह फ्रेश बनता है। ये देखिए दोस्तों, पूरा ये सत्तू देखिए, एक जैसा काला नहीं दिख रहा, पूरा फ्रेश है सत्तू। यही छिलका रहता तो काला बनता, यही चना दाल का है ये सत्तू, पूरा बिल्कुल फ्रेश है। और छोटा चना का सत्तू खाइएगा तो पूरा टेस्ट लगेगा। हाँ, बड़ा चना सत्तू खाने से टेस्ट नहीं आता है। ये जो चना है छोटा चना का सत्तू पूरा टेस्ट रहता है। ठीक है भैया, निकलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक अब दूसरा गांव जाएंगे बेचने। ठीक है, निकलते हैं।